गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान एकता के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय का धरना दिया। बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरक्षाकर्मियों ने किसानों को 2 घंटे से मुख्य द्वार के बाहर ही रोके रखा। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने मंगलवार दोपहर को लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए किसान लघु सचिवालय के भीतर प्रवेश कर गए और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दे दिया। इसी के साथ मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। पूरे सिरसा जिले के किसान नरमे की, कपास की, मूंग की, मूंगफली की, तिल, अरंडी और धान जो है बरसात के कारण गर्दन मरोड़ और हॉपर की बीमारी से खराब हुआ है। सारी फसलें जो लगभग हमारे फसलों की 80 किसानों की 80 से 90% फसल खराब हो चुकी है और खेत मजदूर की मजदूरी चली गई है। उसके लिए ज्ञापन देने के लिए पूरे जिले के किसान आए हैं, तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना था और हमने साथ में धान की और नरमे के पौधे भी लेके आए दिखाने के लिए। तो हमने आधा घंटे पहले बोल दिया था कि हम डीसी साहब को देंगे और हमारा जो अधिकारी हैं बोल के गए डीसी साहब आ रहे हैं, अब एसडीएम साहब को भेज दिया।